रुक जाइए, रुक जाइए। कैसे सोच लिया कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी? आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, कहीं अकेले नहीं रहेंगे, यहां वहां कभी नहीं, कहीं नहीं। आपने आपने अपनी फीलिंग समझ ली तो मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझी? क्यों नहीं समझ पाया कि मैं इतने दिनों से आपसे प्यार कर रही थी, हर रोज इस उम्मीद के साथ उठती थी कि एक दिन आप मेरी आंखों में अपने लिए प्यार देख लेंगे। मैं जानती थी कि शायद मुझे आपका प्यार कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक उम्मीद थी कि जो बात मैं कह नहीं पा रही, आप बिना कहे समझ जाएंगे। फिर आप क्यों नहीं समझे? क्यों इतनी देर लगा दी? जब मैं उम्मीद छोड़ चुकी हूँ, तब क्यों मुझसे उम्मीद कर रहे? क्यों इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा? सॉरी, मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ दी मैंने तुम्हें, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद हमारे बीच में कोई दूरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अपने उम्मीदों को छोड़ बैठी हो ना, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। राज, देखिए मैं आपके लिए। कहाँ गए? फ्रेश होने गए लगता है। राज, बड़े हैंडसम लग रहे हो। राज, मैं सोच रही थी कि आप इतने दिनों बाद लौटे हो, तो क्यों ना हम साथ में बैठे ढेर सारी बातें करें। मतलब मैं आपको सब बताऊंगी कि घर में क्या क्या हुआ, और आप भी मुझे जेल के किस्से। अब नहीं नहीं, आप कुछ भी मत सुनाना। मतलब सुनाऊंगी मैं ही बोलूंगी कि आपके पीछे घर में क्या क्या हुआ। लेट हो जाएगा मुझे जाने में, इंतजार मत करना है मेरा। अरे राज रुको तो, देखो मैंने आपकी फेवरेट चीज बनाई है, देखो। बीती बातें याद मत रखा करो, जो चीजें मेरी फेवरेट हुआ करती थी आज उन्हीं से मुझे छेड़ा है। मन तो करता है कि बस इसी तरह तुम्हें देखता रहूं। मुंह मत फेरो पुगी, आप मुझे अभी भी इसी नाम से बुलाएंगे? हाँ, नहीं हाँ, वैसे नाम तो सोचना चाहिए। वेट अ सेकंड, अभी सोचता हूं। पुगी नहीं तो फुगी, फोन साइलेंट पर रख दो ना, रिंगटोन जैसा नाम रखना पड़ेगा।
प्रज्ञा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? थिंक पॉजिटिव तनु, अच्छा सोचो अच्छा होगा, हो सकता है वो दादी और अभी से बात कर रही हो, और क्या पता वो मान भी जाए और कल ही मैं घर वापस चली जाऊं। बस एक बार मेरी अभी से शादी हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रही हूँ? तनु और इनका सच जानते हुए भी इन्हें अपने दिल की बात बता दी, ये गलत है। सब जानते हुए मैं ये गलती नहीं कर सकती। रजिया, मतलब आज हम दोनों राजी हो गए ना, तो राजी रजिया, रजिया राजी। How is that? Hey रजिया, फुगी, अरे अरे क्या हुआ? ठीक है, रजिया नाम नहीं, कोई और नाम देता हूँ। वैसे भी रजिया तुम्हें सूट नहीं करेगा। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा नाम चाहिए? तुम चुप क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम रो रही? मैं भी इतना स्टूपिड हूं, इतने रोमांटिक सेटिंग में मैं नामकरण कराऊं? ठीक है मैं कोई नाम नहीं दूंगा, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वैसे बुलाऊंगा। प्रज्ञा ठीक है, या योर हाइनेस? आप मुझसे प्यार करते हैं? पिछले दो घंटे से क्या चल रहा था? ऑब्वियसली करता हूँ, ये भी कोई बताने वाली चीज है? कितना? किलो के हिसाब से बताओ। प्यार भी कोई मेजर करने वाली चीज होती है? फिर भी कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? बहुत प्यार करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। प्रॉमिस कीजिए। हाँ प्रॉमिस करता हूँ, तुम जो बोलेगी मैं करूंगा। तनु से शादी कर लीजिए। You're joking, right? अभी अभी हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और तुम मुझे तनु से शादी करने के लिए कह रही हो। अभी अभी मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और तुम मुझे खुद से दूर जाने की बात करी। ये हम दोनों की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, तुम कब से इस दिन का इंतजार कर रही हो और तुम मुझे कह रही हो कि I'm sorry, मैं अब तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जो मैं कहूंगी वो करेंगे। हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, बट यू गॉट मी, तुम कुछ और सिचुएशन बनाकर बात कुछ और करती तुमने। प्लीज देखिए, आप ये जानने के बाद कि आप भी मुझसे प्यार करते, मेरे लिए ये आसान नहीं है। प्लीज मेरी तकलीफ और मत बढ़ाएं। मैं दादी से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, उन्हें मना चुकी हूँ। दादी ने कहा है कि अगर आप उनसे कहेंगे कि आप तनु से शादी करना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तुमने दादी से बात कर ली और वो मान गई? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या कहा तुमने दादी से? वही जो मैं आपसे कह रही हूँ, आपका तनु से शादी कर लेना ही सही है। वो गलत है, क्योंकि मैं तनु से प्यार नहीं करता, मैं उसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रज्ञा। Why don't you understand? Why don't you understand? हमारी जिंदगी बदल चुकी, जिंदगी की प्रायोरिटीज बदल चुकी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे प्यार करता। अभी अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो बच्चा जो आपकी जिम्मेदारी। हम शायद एक दूसरे के बगैर जी सकते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने पिता के नाम उसके साथ के बगैर जिएगा तो उसकी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, और उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। मैं जानता हूं कि बच्चा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या प्यार इंपॉर्टेंट नहीं? अगर मैंने तनु से शादी की तो मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा, मैं खुद खुश नहीं रहूंगा, तुम खुश नहीं होगी, और दादी प्रज्ञा, तुम एक जिंदगी के बारे में सोच रही हो, मैं चार चार जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। अभी तो प्यार का एहसास हुआ है, जीने की वजह मिली है, गाने की सही वजह मिली है, खुद को जाना है, जिंदगी को समझा है, और
और तुम मुझे तुम मुझसे दूर जाने की बात करें। सब समझती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ ये जानकर कि आप भी मुझसे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी में इतना है। लेकिन अगर मैंने आज अपने दिल की बात मान ली तो शायद आप मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में जिंदगी भर का गिल्ट रहेगा। आगे जाके शायद हमारा बच्चा, और जब जब मैं उसे देखूंगी तो हर पल मन में गिल्ट रहेगा कि इस बच्चे की खुशी के लिए मैंने किसी और बच्चे की खुशियां छीन। मैं आपसे अलग होकर आपकी यादों के सहारे जी सकती हूँ, लेकिन इस बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगी। आप जी पाएंगे? बताइए, हमारे साथ के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका पाएंगे आप? तो मेरी बात मान लीजिए। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। कुछ रिश्ते ना अजीब होते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता, ना कोई मंजिल होती। शायद हमें कभी खुशी ना दे पाए, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाते। हमें अपने इस रिश्ते को इसी खूबसूरत मोड़ पर रोक देना चाहिए और अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। कम से कम हम जिंदगी भर यही सोचकर खुश रहेंगे कि हमारे इस फैसले की वजह से कोई और खुश है। प्रॉमिस कीजिए कि आप हमेशा खुश रहेंगे। खुश हूँ से तेरी यूं ही टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नतें अगर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी कब से हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। क्या प्लीज मेरी करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि तनु से आपकी शादी दादी की मर्जी के बिना नहीं हो सकती, और दादी ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वो इस शादी के लिए तभी मानेंगी जब हम दोनों उनसे कहेंगे कि ये फैसला हम दोनों का। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ चलिए, मैं सब संभाल लूंगी।
दादी ये आ गए और जो आपने कहा था मैंने कर दी। दीदी लगता है इसने अभी को मना लिया। हम दोनों एक साथ ही आपसे कहने आए कि तनु से इनकी शादी का फैसला हम दोनों का। इनकी बीवी ने इनकी शादी के लिए रजामंदी दे दी है दादी। अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए जिसके बिना ये शादी नहीं हो सकती। जो तुम बोल रही हो ना मुझे इसके मुंह से सुनना है। क्या तू भी वही चाहता है जो ये बोल रही है? बोल तू तनु से शादी करने के लिए राजी है? इसके बारे में मैं कल फैसला सुनाऊंगी। अब तुम जाओ मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया इंदु? हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है देख ले। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं फिर भी अलग होना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही? जाने की तैयारी कर रही। पर दादी ने ऐसा थोड़ी ना कहा है। दादी तो अपना फैसला कल सुना रही है ना। मैं जानती हूँ उनका फैसला क्या होगा, इसलिए सामान पैक कर रही ताकि जब सुबह वो फैसला सुनाए तो मुझे किसी चीज का इंतजार ना करना पड़े। Are you okay?